आज की सुनो को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की सॉल्व करने की ट्रिक आपको बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में पहले में इस तरह से दिया है और इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन की सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दोबारा मिले, ठीक है, ऊपर क्या है प्लस में और ये माइनस में, वैल्यू तो सेम है, बस फर्क क्या है प्लस और माइनस का फर्क है। आपको करना है कि इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को करना क्या आपको ऐड कर लीजिए। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 12 आपको मिलेगा। अब इसके बाद करना क्या आपको, इसके बाद क्या करना है आपको, 2 लेना है, 2। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 × 5 कितना हो गया, 35। कर्णी में क्या करना आपको, 35 आपको लिखना। यहां पे देखिए प्लस साइन है तो आप यहां पे प्लस आप लगा दीजिए। यहां से जब इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो 2 का डिफरेंट मिलेगा और डिफरेंट वाले से क्या करना आपको, भाग दे देना, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले करना क्या आपको, इन दोनों को एड करना है। जब एड करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। फिर इसके बाद क्या करना आपको, 2, और कर्णी में क्या करना आपको, इन दोनों का गुणनफल आपको करके लिखना है। तो 7 × 5 कितना हो गया, 35। ये लाइन तो क्लियर हो गई। अब करना है कि इन दोनों का डिफरेंट करना है। जब डिफरेंट करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, 2 का मिलेगा। इस 2 से करना क्या, पूरे में डिवाइड कर दीजिए। जब पूरे में डिवाइड करेंगे, इसको चाहे सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, 12/2 हो जाएगा और 2 कर्णी में 35/2 हो जाएगा। अलग अलग भी कर सकते हैं या डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस इसको ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, कड़ी में 35 आपका बचेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना गया, 6 + 35 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका गलत होने का चांस है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं, या मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपको करना कि ऐसे ही सॉल्व करना है। सेकेंड तरीका बता रहा हूं, ठीक है। आपको करना है कि इन दोनों को ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। और डिफरेंट वाले से करना कि आपको भाग देना है। तो 12 का अगर आप आधा करेंगे, मिस 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो गया। 7 × 5 = 35, कर्णी में आपका 35 हो गया। यहां पे देखिए प्लस का साइन है, आप यहां से प्लस लगा दीजिए, आपको ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर इस तरह से भी आया और आंसर आपका इस तरह से भी आया, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप ये बढ़ गया, बाकी तो लगभग सेम है। लेकिन आप इसको नहीं लगाएंगे, इस तरह से नहीं लगाएंगे, इस तरह से डायरेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको नहीं सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करने में क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ऐसे में सॉल्व करने से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड में इस तरह से दिया है और इक्वल टू x + y है, तो y का मान आपसे पूछा है, ठीक है, y का मान आपसे पूछा है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो जो ऊपर वाला था सेम लगभग इसी तरह से, बट फर्क क्या है, फर्क यही कि 2 पहले आ गए, कर्णी से क्या हो गया, 2 बाहर आ गए। अगर मैं इसको कर्णी के अंदर ट्रांसफर करना चाहूं, जो 2 है अगर मैं इसको करूं कि कर्णी के अंदर ट्रांसफर करना चाहूं, तो ये जब अंदर जाएगा तो कर्णी में 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्णी में 4 हो जाएगा। और पहले से कितना, कर्णी में 2 है, पहले से कितना, कर्णी में 2 है। जब इन दोनों का गुणा करें तो कर्णी में कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। जब ये अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर होके जाएगा, तो 4 हो गया, 4 दुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख लीजिए कर्णी में 8 और ये प्लस कड़ी में 7, सेम ऊपर वाले की तरह मैं बना रहा हूं, ठीक है। इसको जो 2 बाहर है इसको मैं कड़ी के अंदर कर रहा हूं, तो इसको भी तो करेंगे। जब ये स्क्वायर होके जाएगा तो 4 दुना कितना हो जाएगा, 8, कड़ी में कितना हो जाएगा, 8 माइनस और ये 7। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या क्या तरीका मैंने आपको बताया, इन दोनों को करना क्या आपको ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना आपको ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। इतना क्लियर है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 8 × 56। अब ये कड़ी में हो जाएगा और इससे पहले क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब प्लस का साइन है तो आप यहां पे प्लस आप लगा दिए। अब इसके डिफरेंस से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है।
इसका डिफरेंट देखेंगे तो कितना मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट कितना मिलेगा, एक मिलेगा। अगर आप एक से इसमें भाग देंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, मैं यहाँ पे एक नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि एक से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक बटे पूरे का बटे एक करके नहीं लिख रहा हूं। यानी इसका मान इतना मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कड़ी में कितना दिया, 14 दिया, तो यहाँ पे 56 है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या, जो कड़ी में कितना है 56 है, 56 को लो ऐसे लिख सकते क्या, 14 चौक 56 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। और ये 4 क्या कड़ी से बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में कितना हो जाएगा, 14। यानी जो कड़ी में 56 है आप इसको ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसके यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके स्थान पे अगर हम ये चीज लिखेंगे तो 2 यहाँ पे है और 2 एक यहाँ पे है, तो 2 दोनों कितना हो जाएगा, 4। 15 प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 कड़ी में कितना हो जाएगा, 14। इसके स्थान पे मैंने क्या कर दिया, ये चीज लिख दिया, 2 यहाँ पे है और 1 2 यहाँ पे, इन दोनों का जब गुणा होगा तो 4 आपको मिलेगा, तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। अब हम लोग करते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे कंपेयर कर लेते हैं, इस वाले से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करके y का मान पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जब कंपेयर करेंगे, जब आप कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे कड़ी में 14 है और यहाँ पे भी कड़ी में 14 है, तो y का मान कितना, 4 होगा। यहाँ पे y का मान कितना होगा, 4 होगा, y बराबर कितना आ गया, 4 है। ये इसका आंसर। अगर प्रश्न में आपसे x का मान पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, लेकिन y का मान कितना आ गया, 4 आ गया, तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से दिया है और इक्वल टू ये चीज दिया है, तो बी का मान आपसे पूछा है, सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग करें क्या, कड़ी के अंदर ट्रांसफर, इसको हम लोग करें क्या, इसको कड़ी में ट्रांसफर कर दे। जब ये कड़ी के अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर होके जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा कड़ी में 9, और ये कितना हो गया, 5। 9 पीछे कितना हो जाएगा, कड़ी में 45 हो जाएगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, कड़ी में कितना हो गया, 45, और ये पहले से कितना है, या इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अगर हम लोग करें क्या, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे भी फास्ट तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर हम लोग करें क्या, ऊपर नीचे क्या कर दिया जाए, इसमें से कड़ी 5 कॉमन ले लीजिए और इसमें से भी क्या करें, कड़ी में 5 कॉमन ले लीजिए, ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो हम लोग कड़ी 5 ऊपर वाले से कॉमन ले रहे हैं। अगर कड़ी 5 जब कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना, 5। 5 देखिए, जो 5 है इसको आप ऐसे लिख सकते क्या, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 लिख सकते हैं। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 आपको मिलेगा, कड़ी हट जाएगी, तो यानी आप इसको ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। तो एक कड़ी का, एक कड़ी में जो 5 है इसको मैंने क्या कर दिया, बाहर कॉमन ले लिया, तो अभी एक बचा रहा है, तो एक अभी क्या है, बच्चा है कड़ी में 5। इतना क्लियर है। अब देखिए करना है क्या, इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, और ये कितना, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 5 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, ये देखिए आपस में कट जाएंगे। अब ये अगर आपस में कट गए, अब देखिए करना है कि इससे क्या करना है, मुझे कड़ी के रूप में लिखना है, इसको क्या करना है, आपको कड़ी के रूप में लिखना है। जो 9 है अगर आप इसे कड़ी के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, इसको इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, कड़ी में 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो ये चीज आपको मिलेगा, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं, कड़ी में 9 हो जाएगा माइनस कड़ी में 5 बटा कितना हो जाएगा, ये कड़ी में 9 ये भी हो जाएगा, कड़ी में 9 हो गया और ये प्लस कड़ी में 5। अब देखिए सेम क्वेश्चन नंबर पहले या दूसरे की तरह हो गया, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब करना क्या आपको, इन दोनों को करना क्या आपको, इन दोनों का योग करना है। जब आप इन दोनों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 5 कितना मिल जाएगा, 14 आपको मिलेगा। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग करते क्या, इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45। 9 5 कितना हो जाएगा, 45। और इससे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे क्या करिए, माइनस आप लगा दीजिए। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, इसके डिफरेंस से क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं, तो अंतर कितना मिला, 4। 4 से इसमें क्या करना, आपको डिवाइड करना है। इतना क्लियर है। अब देखिए करना क्या आपको, सबसे पहले देखिए अगर इसको आप ऐसे कर सकते क्या, सेपरेट कर सकते क्या, अलग अलग,
इसको मैं एक साथ कर लू और इसको अलग अलग कर लू, लेकिन इसको भी हम लोग यहीं पे सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए कर्णेम कितना है 45, जब ये कर्णेम 45 है तो कर्णेम जो 45 है इसको आप ऐसे लिख सकते क्या 9 5, ये तो कर्णेम से आपका बाहर आ जाएगा, तो 3 कर्णेम कितना मिल जाएगा 5 मिलेगा। 45 को आप ऐसे लिख सकते कोई फर्क नहीं है, 3 मिल जाएगा और 3 दुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 14/4, ये कितना हो जाएगा 14/4, 14/4 को आप क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं, और इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं, यानी जो कड़ी है 45 है इसके स्थान पे तो ये लिखेंगे, लेकिन 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 कड़ी में 5 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए करना है कि ये माइनस लगा है तो आप माइनस लगा दीजिए, अब ये 6/ कितना हो जाएगा इतना, देखिए 2 से ये भी कटेगा 2 से ये भी कटेगा, 3/2 और ये कर्णी में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग करते क्या, इससे कंपेयर कर लेते हैं, इस वाले से हम लोग करते क्या कंपेयर करते हैं, a प्लस बी कर्णी में कितना है 5 है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो a का मान आपको देखिए इतना है और b का मान कितना हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, और b का मान तो पूछा है तो b बराबर कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, इसका आंसर कितना आ गया -3/2 आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, ये देखिए जो माइनस नीचे है आप इसको ऊपर लिख सकते कोई फर्क नहीं है, ठीक है, माइनस ऊपर कर सकते, ये माइनस से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते कोई फर्क नहीं है, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि अब इस तरह से दिया और इक्वल टू कितना ये चीज है, तो ए और बी का मान आपसे पूछा है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो इधर आगे क्या लग जाएगी, इधर आगे क्या लग जाएगी कड़ी लग जाएगी, लगे कि नहीं लगे, इधर आके कड़ी लग जाएगी। या दूसरा तरीका ये है कि आप इससे क्या करिए प्रसार कर लीजिए, कड़ी लगाएंगे तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो आप इसका क्या करिए स्क्वायर कर लीजिए, इसी का ही क्या करिए आप स्क्वायर करिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो पहले का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा ये 5 मिलेगा, प्लस बी का स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा 1, प्लस 2ab होता है 2ab, जब इन दोनों को लेंगे तो कितना मिलेगा आपको 5 ही तो मिलेगा, एक बी का यानी एक का मतलब कोई फर्क तो होगा नहीं, या अगर मैं यहाँ पे एक का गुणा करूं तो कोई फर्क नहीं होगा, तो डायरेक्ट मैं यही रहने दे रहा हूं, ठीक है। इसको देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते क्या 6+2 कड़ी में 5 लिख सकते, कोई फर्क नहीं है, और इक्वल टू कितना दिया आपका a प्लस बी और ये कड़े में कितना 5, तो हमसे a और b का मान पूछे। देखा जाए अगर कंपेयर किया जाए तो कड़े में 5 यहाँ पे भी, कड़े में 5 यहाँ पे भी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं a और b का मान क्या कर सकते हैं कंपेयर करके पता कर सकते हैं, a और b का मान पता कर सकते हैं, a का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आप लिख लीजिए। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ए और बी का मान कितना पता चल गया 6.2, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है।